हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्मेन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष और बच्चों के हित में काम करती है, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। सोशल मीडिया के जरिए हम कई सारे लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे मिलते भी हैं। इनफैक्ट आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया पर ही बिजी रहता है, लेकिन सोशल मीडिया आपकी जिंदगी भी आपसे छीन सकती है। क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? नहीं ना। एक घटना है बैंगलोर की और 2011 की। तुषार मेहता पटना का एक 21 साल का लड़का जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और बैंगलोर के श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ता था। अब हुआ यूं कि जनवरी 2011 को तुषार मेहता फेसबुक के जरिए एक लड़की से बातचीत करना शुरू करता है। लड़की का नाम है शिवानी कुमार। शिवानी एक बार में जॉब करती थी, वो एक बारटेंडर थी। फिर दोनों में बातचीत शुरू हुई, बात आगे बढ़ी और फिर उन दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। तो 14 जनवरी 2011 को तुषार और शिवानी ने मिलने का प्लान बनाया, लेकिन तुषार जी वो अकेले नहीं गया, वो साथ में अपने दोस्त आयुष्मान लाल को भी लेकर गया। आयुष्मान तुषार का काफ़ी पुराना दोस्त था। और शिवानी भी अकेले नहीं गई, वो साथ में एक और लड़की को लेकर गई जिसका नाम था प्रीति। अब दोनों मिलते हैं मॉल में, लेकिन कुछ टाइम बाद शिवानी जो है वो तुषार से एक अलग से डिस्कशन करती है और शिवानी उसे कहती है कि वो लोग उसके एक दोस्त के घर पार्टी करने के लिए जा रहे हैं और शिवानी चाहती है कि तुषार भी उसके साथ आए। अब तुषार को तो जाना था शिवानी के साथ, तो उसने पूछा कि क्या वो अपने साथ अपने दोस्त आयुष्मान को लेकर आ सकता है या नहीं, लेकिन शिवानी ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसका जो दोस्त है वो एक छोटे से घर में रहता है, तो इतनी जगह नहीं है वहाँ पर कि इतने सारे लोग वहाँ जाएँ, और अगर इतने सारे लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ केओस हो जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि तुषार अकेले ही आए। तो तुषार ने भी मना नहीं किया, वो समझ गया शिवानी की बात, तो उसने आयुष्मान को कहा कि वो घर चला जाए और तुषार भी थोड़े टाइम बाद घर चला जाएगा। अब तुषार और आयुष्मान जो है वो दोनों एक साथ रहते थे, तो आयुष्मान निकल गया मॉल से और तुषार शिवानी और प्रीति ये तीनों निकल गए पार्टी के लिए। तो वो जाते हैं शिवानी के सो कॉल्ड दोस्त के घर। अब वहाँ जाकर वो चारों पार्टी कर रहे होते हैं कि उस वक्त एक और शख्स वहाँ पहुँचता है जिसका नाम है वारिस। अब वारिस को देखकर तुषार हैरान होता है, क्योंकि वारिस को तुषार पहले से ही जानता था। 2006 में जब तुषार इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशंस कर रहा था कोटा में, तो वहाँ वारिस भी प्रिपरेशंस कर रहा था, तो दोनों की मुलाकात होती है कोटा में। लेकिन फिर उसके बाद तुषार को मिल जाती है एडमिशन श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और वो बैंगलोर चला जाता है, वो बैंगलोर शिफ्ट हो जाता है और फिर उसका वारिस से कांटेक्ट टूट जाता है। अब इतने टाइम बाद तुषार जब वारिस को देखता है तो उसे हैरानी भी होती है और साथ में खुशी भी होती है कि इतना पुराना दोस्त उसे वापस मिला है। अब वारिस उसे कहता है कि शिवानी जो है वो वारिस की ही दोस्त है। तो अब पाँचों मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं, सब मिलकर एल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, और उसी वक्त वारिस जो है वो कहता है कि अब वो सब एक गेम खेलेंगे जहाँ पर सबको एक कैरेक्टर दिया जाएगा, एक रोल प्ले करने को दिया जाएगा। तो बारी बारी से सब अपना रोल प्ले करते हैं, फिर टर्न आता है तुषार का। तो वारिस जो है वो तुषार को कहता है कि वो अपने फादर को फ़ोन मिलाए और ये कहे कि उसका किडनैप हो गया है, और जब तक उसके फादर किडनैपर्स को 15 लाख रुपए नहीं देते, किडनैपर्स तुषार को नहीं छोड़ेंगे। अब तुषार को बड़ी हैरानी हुई कि ये किस तरह का डेयर है या फिर रोल प्ले है, तो उसे अजीब लगा और उसने मना कर दिया। अब सब ने उसे बड़ा फोर्स किया, सब ने कहा कि ये जस्ट एक रोल प्ले है, ये एक मजाक है, तो उसे सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुषार ने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं मानी और उसने मना कर दिया ये करने से। इसके बाद वारिस और तुषार में झगड़ा हुआ, दोनों में हाथापाई हुई और उन्होंने तुषार को उसी दौरान मार दिया। उन्होंने तुषार के सर पर एक बॉटल से वार किया और फिर उसका गला घोट दिया। अब जो हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, उन्होंने भी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अब तुषार की बॉडी को तो ठिकाने लगाना था। तो इसलिए रोहित जो कि शिवानी का सो कॉल्ड फ्रेंड था जिसके घर वो पार्टी करने के लिए गए थे, रोहित और जो है वारिस वो दोनों मिलकर बाइक पर बॉडी को लेकर जाते हैं और बेंगलोर के अतुरी लेआउट जो कि एक आउटस्कर्ट है वहाँ जाकर उसकी बॉडी को डंप कर देते। फिर उसके बाद सिलसिला वहाँ ख़त्म नहीं होता। 16 जनवरी को वो तुषार के फादर को यानी कि प्रमोद मेहता को तुषार के ही फ़ोन से कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने तुषार को किडनैप किया है और जब तक वो उन्हें पैसे नहीं देते वो तुषार को नहीं छोड़ेंगे। तो वो प्रमोद मेहता से लाखों रुपए की डिमांड करते हैं और फिर एक एड्रेस भी देते हैं और ये कहते हैं कि 19 तारीख को वो
पैसों का बैग लेकर दिए गए हुए एड्रेस पर आ जाए और पैसे मिलते ही वो तुषार को छोड़ देंगे। अब इस फ़ोन कॉल के बाद प्रमोद मेहता जो है वो काफ़ी घबरा जाते और वो पुलिस को कॉन्टैक्ट करते हैं। तो 19 जनवरी 2011 को जो पुलिस है वो किडनैपर्स के दिए गए हुए एड्रेस पर आम आदमी के भेस में पहुंचते हैं और प्रमोद मेहता भी पैसों का बैग लेकर वहां पहुंचते हैं। अब तुषार के फादर को काफ़ी डर भी लग रहा था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसके बेटे की जान जा सकती है, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि वो उन पर भरोसा रखे और जैसा उन्हें कहा गया है वो वैसा ही करे। तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं बैग लेकर, पैसों का बैग लेकर, और तभी एक आदमी उनके पास पहुँचता है, उनके कान में कुछ कहता है और फिर प्रमोद मेहता के हाथ से जैसे वो बैग लेता है पुलिस जो है उसे पकड़ लेती है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रमोद मेहता जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके पास पैसे भी काफ़ी थे, इसलिए पैसों का बंदोबस्त करने में उन्हें तकलीफ नहीं हुई। तो जो शख्स पकड़ा जाता है वो होता है वारिस, और वारिस पुलिस को लेकर जाती है रोहित तक, रोहित कुमार जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट है। तो दरअसल रोहित कुमार जो है वो शिवानी का हस्बैंड है, जी हाँ वही शिवानी जिससे तुषार की मुलाकात फेसबुक के जरिए होती है। तो शिवानी और रोहित दोनों पति पत्नी थे। फिर पुलिस जो है वारिस और रोहित दोनों को पकड़ कर ले जाती है, दोनों से पूछताछ करती है। उसके बाद वो दोनों पुलिस को उस जगह लेकर जाते हैं 20 जनवरी को जहाँ पे उन्होंने तुषार के बॉडी को दफनाया था। फिर पुलिस को तुषार की डिकम्पोज्ड बॉडी मिलती है, लेकिन उधर शिवानी और प्रीति दोनों को ये खबर मिल चुकी होती है कि वारिस और रोहित पकड़े गए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, शिवानी और प्रीति जो है ये दोनों बहनें थीं, तो जैसे उन्हें पता चला कि उनके पार्टनर्स तो पकड़े गए तो वो भाग गए बेंगलोर से, लेकिन उसके बाद पुलिस ने दोनों को मुंबई से गिरफ्तार किया। फिर ये मामला पहुंचा फास्ट ट्रैक कोर्ट में और अक्टूबर 2014 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इन चारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि ये चारों ही 25 साल के कम उम्र के हैं और इनका कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को छोड़ देंगे तो इन फ्यूचर वो क्रिमिनल्स बन सकते हैं और तुषार की जगह इन फ्यूचर कोई और भी इनकी जाल में फंस सकता है। अब यहाँ मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, जब पुलिस ने रोहित और वारिस को इंटरोगेट किया तो दोनों ने काफ़ी हैरान करने वाली बात बताई। दोनों ने कहा कि ये जो पूरी प्लानिंग थी किडनैपिंग करने का और पैसे लेने का, ये उनका नहीं था, ये था शिवानी और प्रीति का, और वो काफ़ी टाइम से ऐसे लड़कों की प्रोफाइल्स को ढूंढ रही थी जो थोड़े पैसे वाले हैं ताकि वो उसे किडनैप कर सके और उसके फैमिली से पैसे ले सके। तो देखिए कितने शातिर थी ये लड़कियाँ जो इतने टाइम से ऐसे लड़कों की प्रोफाइल्स को ढूंढ रही थी जिन्हें वो फंसा सके और फिर उनसे पैसे ऐंठ सके। अब बेंगलोर के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इन चारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और फिर इन चारों ने इस वर्डिक्ट को कर्नाटका हाईकोर्ट में चैलेंज किया। फिर 9 साल बाद दिसंबर 2023 को कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई और हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो भी वर्डिक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी थी वो बिल्कुल सही थी। फिलहाल तो ये चारों जेल में हैं, लेकिन इन्होंने वापस कर्नाटका हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो तब से लेकर अब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर अपना वर्डिक्ट नहीं दिया। तो ये काफ़ी दिल दहलाने वाली और हैरान करने वाली घटना थी, और ऐसी घटनाएं आजकल काफ़ी घट रही है जहां पे लड़कियां यंग लड़कों को पहले तो फंसाती है अपने जाल में और फिर उनसे पैसे ऐंठती है, और इस दौरान कई लड़कों की जाने भी जाती है। इसलिए सभी से मैं एक बात कहूँगी कि आप जब भी किसी लड़की से मिलते हैं या बात करते हैं, या किसी से भी आप मिलते हैं या बात करते हैं, तो पहले उनके बैकग्राउंड को प्रॉपरली चेक कीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी सतर्क होते हैं ना तो उससे आप और आपका परिवार दोनों सेफ रहेगा। तो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग फॉर्म इन इंडिया।